मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में जल जीवन मिशन और यूनिसेफ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल मितान उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जल मितान युवा उद्यमी तथा जल दीदी के रूप में उन्हें योजनाओं के संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम आयोजित है और जिसका इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं गुरु रुद्र कुमार जी और विशेष रूप से उपस्थित मुख्य सचिव आदरणीय अफ्ताब जी, भारतीदासन जी, पटनायक मैडम और कटियार जी, अग्रवाल जी और सभी अधिकारीगण उपस्थित सभी हमारे प्रशिक्षु सभी मितान और मितानिन कहना आजकल ठीक नहीं, मितानिन तो दूसरे लोग हो गए हैं, आप लोगों को टाइटल बदलना पड़ेगा। मितानी ठीक रहेगा कि दीदी? जल बहनी, जल बहनी, जल दीदी। आदरणीय साथियों, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हम लोगों का लक्ष्य है आगामी 5 वर्षों तक के 12 से 15 लाख लोगों को स्वरोजगार और रोजगार से हम जोड़ें और इस दिशा में निरंतर कार्य हो रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और अभी मैं कोंडा गांव गया था तो वहाँ भी करीब 550 युवक युवतियों को रोजगार के प्रमाण पत्र दिए गए और उसी प्रकार से जल जीवन मिशन के माध्यम से भी, जैसा कि अभी पटनायक मैडम ने बताया कि पूरे देश में पहला राज्य है जहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें जल मितान का चयन किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है, हजारों लोगों को प्राथमिक प्रशिक्षण और उसके बाद 540 हमारे उच्च स्तर के प्रशिक्षण जिसमें 90 व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं उनको निशुल्क किट देने का कार्य किया गया है। और अभी तक के जल जीवन मिशन के माध्यम से जहां 50 लाख घर में नल पहुंचाने का लक्ष्य है जिसमें 24 लाख घरों में नल लगाने का काम हुआ है और जब नल लगा है तो निश्चित रूप से रिपेयरिंग के लिए तो लोग लगेंगे ही, फिटिंग करने के लिए भी लगेगा, रिपेयरिंग के लिए भी लगेगा और ये ऐसा कार्य है जो जीवन भर चलना है। तो आप जो प्रशिक्षण पाए हैं निश्चित रूप से आपको रोजगार के नए अवसर ये प्राप्त हुआ है और इसके लिए विभाग को और यूनिसेफ को दोनों को मैं बधाई देता हूँ कि दोनों के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम पूरे देश में पहली बार आयोजित हुआ है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और सभी साथियों को जिन्होंने 540 लोगों को ये ट्रेनिंग मिली है सबको बधाई, शुभकामना।